गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में या पिछले लेसन में हम लोगों ने जाना कि अंग्रेज जो थे वो किस प्रकार से किसानों की व्यवस्था को लगान स्वरूप कैसे वसूल करते थे और जो उनकी तीन प्रकार की व्यवस्था थी लगान वसूलने की, उनसे किसानों को क्या क्या नुकसान होता था, कैसे कैसे वो लोग लगान वसूलते थे, कैसे कैसे मुनाफा करते थे। और ये अपने यहाँ यह भी जाना कि किसान हो जमींदार हो और अंग्रेजों के बीच कैसे कैसे संबंध स्थापित किए जाते थे, कैसे किया जाता, जिसके अलावा किसानों में किस प्रकार के संघर्ष की शुरुआत हुई। अंग्रेजी शासन के द्वारा किसानों का शोषण से किसानों में भी संघर्ष की शुरुआत शुरू हुई। और पिछले अध्याय में हम लोग ये भी पढ़ा कि किसानों के शोषण के द्वारा अंग्रेजों के पुराने जो जमींदार थे उनको समाप्त कर नए जमींदारों को जो अंग्रेजों को समर्थन करते थे उनको जमींदारी दी गई, ज्यादा मुनाफा वसूल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा शोषण करने के लिए। उसके बाद नए जमींदार जो थे वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा वसूल करते थे, लेकिन उससे इन व्यवस्था पे जो भी लगान की व्यवस्था थी अंग्रेजों की, उससे जनजातीय समाज पर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। जनजातीय समाज में भी आपको संघर्ष की शुरुआत हुई थी। इसके बारे में हम लोग जानेंगे अध्याय चार में। अध्याय चार है आपको उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज, उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। उपनिवेशवाद को आप समझते हैं अंग्रेजों के द्वारा जो भी किसी अन्य देश पर उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति पर अपना नियंत्रण कायम करना या अपना साम्राज्यवाद स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। अब आया जनजातीय समाज। जनजातीय समाज क्या होता है? आम भाषा में हम लोग जनजातीय समाज को आदिवासी बोलते हैं, जो आप लोग जानते हैं ये लोग पर्वतों जंगलों में पाए जाते हैं, रहते हैं, इनको हम जनजातीय समाज कहते हैं या जनजातीय समाज के रूप में जानते हैं। इन लोगों को आदिवासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस महाद्वीप पर सबसे पहले समय से रहने वाले लोग हैं, ये सबसे पुराने समय से रहने वाले ये लोग हैं, इसलिए इनको जनजातीय समाज या आदिवासी कहते हैं। यानी आदिकाल से बहुत पुराने समय से जो लोग रहते हैं उनको हम आदिवासी कहते हैं या जनजातीय समाज कहते हैं, क्योंकि ये लोग जंगल में रहते थे और यहाँ पर जंगलों से इनको अपने जरूरत की वस्तुएं सारी प्राप्त होती थी। जंगलों पर इनका जीवन यापन निर्भर था, जंगलों से ही इनको अपना जीवन निर्वहन करने के लिए वो चीज सारी मिलती थी। ये लोग समतल जो भूमि थी जंगलों के आसपास, समतल भूमि, वहां पर समतल भूमि पर बैलों से खेती करके, बैलों से जुताई करके खेतों की, और वहां पर आपको धान, मक्का, इस तरह की वस्तुएं, इस तरह के खाद्यान्न उत्पादन करते थे। और जो भी पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते थे वो पहाड़ों को साफ करकर, झाड़ियों को साफ करकर, जंगलों को साफ करकर वहां पर अपना खेती करते थे। लेकिन जब एक दो साल खेती करने के बाद जब उस खेत की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तो फिर ये प्रक्रिया दूसरे जगह जाकर वो करते थे, यानी उस जगह पर फिर लोग खेती करना बंद कर देते थे। तो आने वाले दो तीन सालों पर फिर वहां पर जंगल उगाता था, फिर वहां झाड़ियां निकल आती थी, तो फिर जंगल का जंगल वैसे ही रह जाता था। इसको हम झूम खेती कहते थे। इसको क्या कहते थे? झूम खेती। इस खेती को यानी जंगलों को काटकर, झाड़ियों को काटकर वो कृषि योग्य भूमि बनाते थे, उस पर एक दो वर्ष खेती करते थे। जब उस खेत की, जब उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तो वो लोग किसी दूसरे जगह जाकर फिर ये प्रक्रिया अपनाते थे, यानी दूसरे जगह फिर झाड़ियों को साफ कर वहां खेती करते थे, फिर वहां खत्म उर्वरा शक्ति हुआ फिर दूसरे जगह जाके। तो जो खेती कर चुके होते थे उस पर दो तीन सालों में फिर झाड़ियां उगाती थी, फिर जंगल हो जाते थे, तो जंगल का जंगल रह जाता था और इनका खेती का काम हो जाता था। इसको झूम खेती कहा जाता था। कुछ सालों के बाद
इसमें फिर झाड़ियां आती थी, जंगल का रूप ले लेता, फिर उसकी उर्वरा शक्ति आ जाती थी और फिर वापस जंगल के रूप में हो जाता था। इससे जंगल को कोई नुकसान नहीं होता था, यानी दो तीन साल में फिर वहां जंगल हो जाता था, तैयार हो जाता था। तो इसको, इस विधि को घुमंतु कृषि विधि के नाम से भी जाना जाता है, घुमंतु कृषि विधि के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, जो आदिवासी होते हैं, आज भी जंगलों में पाए जाते हैं, या पहले के दिन भी सबसे पुराने लोग आदिवासी लोग जंगलों में पाए जाते थे, जंगलों से इनकी आवश्यकता की सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है, आवश्यकता की सारी चीजें जंगलों से इनको प्राप्त हो जाती है। जैसे ये लोग खेती कर लेते थे, या और भी भोजन के रूप में इनको कर्ण फूल फल, या आपको छोटे छोटे हिरण जानवरों का मांस, चिड़िया, इन सब का मांस भी इन लोगों को जंगलों से प्राप्त होता था। इनके जो घर बने होते थे वो जंगलों के लकड़ियों से बने होते थे, तो लकड़ी भी वहां जलावन के लिए लकड़ी, तरह तरह की औषधियां, ये भी सारे इनको जंगलों से प्राप्त हो जाते थे। इनको व्यापार करने के लिए जंगलों से बहुत सारी चीजें, ऐसे जैसे हाथी दांत, रबड़, गोंद, इसका भी लोग व्यापार करते थे, और उसका जो भी पैसा आता था उस पैसे से इनको और भी आवश्यकता की जो चीजें थी, जैसे नमक और भी कोई आवश्यक वस्तुएं, इनको ये व्यापारियों से ज्यादा मात्रा में ज्यादा अधिक दाम हालांकि देना पड़ता था, लेकिन ये लोग उससे वो खरीद लेते थे। तो इन लोगों को उससे ज्यादा, जंगलों से ज्यादा ही मुनाफा था, जंगलों से ज्यादा लाभ था, इसलिए ये लोग जंगलों में ज्यादा रहा करते थे, या जंगलों के आसपास के क्षेत्रों में ये लोग रहा करते थे। तो ये जनजातीय समाज होती है, लेकिन इन पर भी अंग्रेजी सरकार का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी, चूंकि ये लोग कुछ ऐसे भी थे जंगलों से जो प्राप्त करते थे, हाथी दांत जिसके अलग तरह के औजार बनाए जाते थे, महंगे होते थे, इस तरह की चीजें ये लोग लाते थे, तो इनको भी जंगल अंग्रेजों का झेलना पड़ा। ये लोग जानवरों को मारते थे, उनका भी तस्करी, उनका भी बेचते थे, छाल वगैरह ज्यादा दामों में बेचा जाता था, उसके लिए ये लोग तीर धनुष या छोटे मोटे हथियारों से उनका शिकार किया करते थे। एक और बात, आदिवासी जो लोग थे वो पशुपालन भी किया करते थे, बकरी, गाय, भेड़, इन सब का पशुपालन करके उनसे भी जो आय होता था वो भी कमाते थे, या अपने लिए भी इनको उनसे लाभ होता था। दूसरी बात, इनका छोटा छोटा उद्योग धंधा था, छोटा छोटा उद्योग धंधा, छोटा छोटा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जैसे गोंद का बनाना, हाथी दांत का कोई औजार बनाना, इस तरह का उद्योग, ये भी जंगलों पर आधारित था, यानी जंगलों पर निर्भर था, जंगलों से इनको वो सामान मिलता था जिससे इनका उद्योग धंधे चलता और ये लोग अपना जीवन चलाते थे। बहुत आगे चलकर जनजातीय समुदाय में लाख और रेशम उद्योग को भी अपनाया, उन्होंने देखा जंगलों में रेशम का कीड़ा जो होता है शहतूत के पत्ते पर वो काफी मात्रा में मिला, इन्होंने वो भी उद्योग को अपनाया और धीरे धीरे बढ़ते रहे। तो ये आपको अंग्रेजों का नजर इनके भी पड़ा, क्योंकि ये रेशम के जब बेचते थे मार्केट में तो अंग्रेज देखे थे कि ये ज्यादा अच्छा है, रेशम ज्यादा खतरा है, ज्यादा अच्छा है, कहां से आता है, तो यहां से आता है, तो ये लोग का नजर आदिवासी क्षेत्रों पर भी पड़ी, तो ये लोग व्यापारियों के पास बेचने के लिए जाते थे, तो ये लोग ज्यादा मुनाफा कमाते थे, तो अंग्रेजों की नजर इन पर पड़ी, और अंग्रेजों की जब नजर पड़ी थी इनका मूल्य निर्धारण करना उनके हाथ में चला गया, यानी वो मूल्य निर्धारण इनका करते थे, और धीरे धीरे उन पर भी अपना उपनिवेश कायम करने के लिए, अपना कानून चलाने के लिए, अपना नियम चलाने के लिए अंग्रेजों ने सोचना शुरू कर दिया। ये थे उपनिवेश जनजातीय समाज, यानी जनजातीय समाज क्या होते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया। इस वीडियो में इतना ही, आगे अगला वीडियो में आप लोगों को इसके आगे मैं बताऊंगा कि अंग्रेजों द्वारा स्थानीय व्यवस्था जो थी, किसान जो तीन प्रकार की व्यवस्था थी, नियमों का जो भी नियम बनाए थे अंग्रेज, उसका जनजातीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आगे की वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।